ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का भगवान भगवती बनाता हूँ, इतना बड़ा पद देता हूँ, तुम मेरी बात तो मानो। देखिए भगवान कितने प्यार से अपनी महान आत्माओं को सम्मान देते हुए समझाते हैं, मैं तुम्हारे लिए कल्याणकारी हूँ, मैं जो भी तुम्हें कहता हूँ उसमें तुम्हारा कल्याण है। बच्चे मेरी बात मानो, अब दुनियावी सभी झंझटों से बुद्धि को निकाल कर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, इससे ही तुम वर्तमान में भी बहुत सुखी रहेंगे और जन्म जन्म तुम्हारे सुखों के भंडार भरपूर रहेंगे। तुम इस संसार में सबसे अधिक संपत्तिवान हो, क्योंकि तुम्हारे पास ही ज्ञान रत्नों का खजाना है। अपनी संपत्ति को देख देख कर हर्षित रहो, बार बार देखो कितना ज्ञान धन हमारे पास है। अपने पास लिख लो, एक डायरी बनाओ, उसमें लिख लो बाबा ने मुझे क्या क्या ज्ञान का खजाना दिया है। 100 बातें निकल आएंगी, बहुत पावरफुल, नशा चढ़ेगा। इतना ज्ञान का खजाना तो सारे संसार में भी अगर सब लोगों को मिला लिया जाए उनके पास भी नहीं है जितना हमारा अकेले के पास है। तो हम बहुत संपत्तिवान हैं, हमें अपनी संपत्ति से जग का कल्याण करना है, क्योंकि हम पूर्वज भी हैं सबकी पालना करने वाले, और हमें ही बाबा ने विश्व कल्याण का महान कार्य भी सौंपा है। हम अपने इस महान कार्य को जरा रियलाइज करें, स्वीकार करें, हम विश्व कल्याणकारी हैं। हमें ही बाबा से विश्व कल्याण की शक्तियाँ, ज्ञान, सद्विवेक, सद्गुण प्राप्त हुए हैं। संसार दुखों की अग्नि में जलता जा रहा है, मानसिक पीड़ाएं संसार में बढ़ती जा रही है, संबंधों में जहर घुलता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई भी किसी का नहीं रह जाएगा कुछ ही समय में, हर मनुष्य अपने को अकेला पाएगा और उसे लगेगा जिसे तुम बहुत प्यार करते रहे, जिसके मोह में तुम पागल होते रहे, वे तो तुम्हारे हैं ही नहीं। तो हम विश्व कल्याण के कार्य में लग जाएं, सकास भी दें। कोई भी धर्म की आत्मा जब हमें मिले तो हमें याद रहे ये हमारी वंशावली है, इसलिए उनसे नफरत या घृणा भाव नहीं। वो पद विमुख हुए हैं अज्ञान के कारण, वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर विरोधी बने हैं, लेकिन वो सब हमारी ही वंशावली है। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, वो शाखाएं निकली तो हमसे ही हैं, और कहीं ना कहीं अच्छाइयों के बीज भी उनमें हैं। उन्हें अंकुरित करना है, उन्हें बढ़ाना है, बाहर निकालना है, तो हम श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनकी मदद किया करें। अगर हमारे मन से घृणा भाव, थोड़ा वैर भाव उन आत्माओं के लिए जाता है, तो उनकी जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं, जो शुभ भावनाएं हैं, वो भी दबकर नष्ट हो जाती हैं, और संसार में हिंसा का वातावरण बनता है। हमें अहिंसा का माहौल बनाना है, सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर। तो हम ज्ञान रत्नों के भंडारी हैं, इस संसार में सबसे अधिक धनवान। आँख खुले सवेरे तो अपने को याद दिलाएं, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा संपत्तिवान इस संसार में और कोई नहीं है। ये नशा हमारी सोई हुई चेतना को जगा देगा, और फिर आज सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे, मैं बहुत बहुत भाग्यवान, बहुत धनवान हूँ, और सभी धर्मों की आत्माओं का पूर्वज हूँ। मेरे पुण्य कर्मों का, मेरी पवित्रता का, मेरी श्रेष्ठ स्थिति का बल
सारे संसार की आत्माओं को मिलता है, तो पूर्वज बनकर आज बीच बीच में उन्हें सकार देते रहेंगे और फील करेंगे हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस सभी आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। ओम शांति।